आज से हरियाणा में स्कूल खोले जाने थे, लेकिन निजी स्कूल आज भी बंद रहे क्योंकि निजी स्कूलों के शिक्षकों के कोरोना टेस्ट नहीं हो पाए हैं। ऐसे में अब निजी स्कूल के शिक्षकों को स्कूल आने से पहले कोरोना का टेस्ट करवाना होगा, जिसके लिए शिक्षकों को 1600 रुपए कोरोना टेस्ट की कीमत के रूप में चुकाने होंगे, जिसका अब निजी स्कूल संगठन विरोध जता रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा आज से स्कूलों में बोर्ड परीक्षाओं की कक्षाएं शुरू की जानी थी, लेकिन आज भी निजी स्कूल पूर्णतः बंद रहे क्योंकि सरकार के निर्देशानुसार सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के तो मुफ्त में कोरोना टेस्ट करवाए जा रहे हैं, लेकिन निजी स्कूलों के अध्यापकों को कोरोना टेस्ट करवाने के लिए 1600 रुपए देने होंगे, जिसका लेकर फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल के प्रदेश अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने सरकार पर भेदभाव करने और अपनी तिजोरियां भरने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस तरह का व्यवहार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या निजी स्कूलों के अध्यापक और बच्चे हरियाणा के नागरिक नहीं हैं? यदि सरकार इन आदेश को तुरंत प्रभाव से वापस नहीं लेती है तो सरकार को इसका करारा जवाब दिया जाएगा। हरियाणा सरकार द्वारा 21 तारीख को स्कूल खोले जाने थे, गवर्नमेंट स्कूल स्टार्ट भी हो गए, लेकिन प्राइवेट स्कूल पे जो शर्त लगा दी गई कि प्राइवेट स्कूल के टीचर जो कोविड टेस्ट कराएंगे उसमें 1600 रुपए चार्ज किए जाएंगे, ये बिल्कुल भेदभावपूर्ण निर्णय है। इसका हम बिल्कुल निंदा करते हैं। हमारे हरियाणा में 40,000 के करीब प्राइवेट स्कूलों के टीचर हैं, 40,000 के करीब गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं। इनसे तो 6.5 करोड़ रुपए एक तरह से आय इकट्ठे करने की बात ये समझ आ रही है। क्या हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों के शिक्षक सरकार के शिक्षक नहीं हैं? उनकी जान की परवाह हरियाणा सरकार को नहीं है? जब सबके कोविड टेस्ट फ्री हो रहे हैं तो फिर इनसे 1600 रुपये के चार्ज क्यों? एक तरफ स्कूलों में फीस नहीं आ रही, उनको वेतन नहीं मिल रहा, बड़ी मुश्किल से वो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। ऐसे में 1600 रुपये अगर उनसे चार्ज किया जाए, अगर कोई टीचर खुदा ना खास्ता वो कोविड पॉजिटिव निकला तो उसके पूरे परिवार को भी वो टेस्ट के पैसे देने पड़ेंगे, और दूसरी तरफ परिवार पहचान रजिस्टर का सत्यापन की जिम्मेदारी भी प्राइवेट स्कूलों की लगाई जा रही है। तो सरकार क्यों नहीं, जो अभिभावक भी हमारे पास आएंगे सत्यापन कराने, उनका कोविड टेस्ट जो है आवश्यक करती, हम अपने टीचर्स को की जान खतरे में क्यों डालें? तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि वो इस टेस्ट को भी बिल्कुल निशुल्क, जैसे सरकारी टीचर्स का किया जा रहा है, निशुल्क जो है वो प्रदान करें और ये भेदभाव की नीति पूर्णतः खत्म करें।